हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस शॉर्ट। पर आज के शॉर्ट में हम बात करने वाले हैं एसबी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो एसबी हाइब्रिडाइजेशन में क्या की कंडीशंस होती हैं, कैसे ये काम करता है, क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, वो सब आज के शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो पहले क्या है, 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू प्रोड्यूस टू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नोन एज एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब कि क्या है, 1s और 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं और दो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। The two sp hybrid orbitals are oriented in a straight line making an angle of 180 degree and this is why the molecule possesses linear geometry। क्या होता है, जो टू sp hybrid orbitals होते हैं वो इस तरह से orientation होती है उनकी कि वो एक straight line बनाते हैं जिसमें कि वो angle 180 degree का बनाते हैं। इसी वजह से जो इनकी geometry होती है वो क्या हो जाती है, लीनियर ज्योमेट्री इनकी हो जाती है। ठीक है, ईच ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज 50% एस कैरेक्टर एंड 50% पी कैरेक्टर। अगर 1s और 1p ऑर्बिटल है, दो ही ऑर्बिटल है और दोनों इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो इसमें 50% तो एस कैरेक्टर होगा, 50% पी कैरेक्टर होगा। ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसको हम एक और नाम क्या कह सकते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की जगह आपको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल, एस ऑर्बिटल है, इस तरह से हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्फीयर होता है प्लस में। अगर हम पी ऑर्बिटल को इस तरह से हम डंबल शेप होती है इसकी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो इस तरह से वो कुछ बनाता है, 180 डिग्री का एंगल होता है और इधर साइड में क्या हो जाती है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इधर ये बॉन्डिंग के लिए तैयार है। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, BeF2, BeCl2, BeH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CO2, HgCl2, इस सब की क्या होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें BeCl2 को ले लेते हैं, तो देखिए बी हमारे पास बेरिलियम है, तो 1s2s2 होगी इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें, ग्राउंड स्टेट में 1s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s में रहेंगे फुली फिल्ड। यहाँ पर बस जो 2p है उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें जो वहाँ पे हमारे पास 2p है उसमें कुछ भी नहीं रहना है, तो ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड में क्या होगा कि 2s एक इलेक्ट्रॉन बाकी इधर आ गया 2px में, तो यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गई। क्लोरीन में देखिए 1s2 2s2 हमें पता 17 होता है, तो इस तरह से हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। उसके बाद देखिए 1s2 2s2 और 2p3 तक मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 2p6 तक 3s2 यहाँ पे है और 3p है। तो हमें यही देखना है कि जो लास्ट जो वैलेंस चेन है उसमें देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो इसलिए हमें यहाँ पे दो क्लोरीन की जरूरत होगी और बेरिलियम बीच में आएगा, दो क्लोरीन इधर इधर आ जाएंगे। देखिए क्लोरीन की अपडेट कंप्लीट हो रहा है, बेरिलियम का भी अपडेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये इस तरह से हमारे पास अगर हम देखें शेप की फॉर्म में, तो इस तरह से एक डंबल फॉर्म बन रही है और ये 180 डिग्री का लीनियर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस तरह से हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। आई होप ये शॉर्ट आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।